अंधेरे जंगल में वह आदमी भाग रहा था। वह एक शिकारी था। जैसे किसी रहस्य को उजागर करना बंद करो और एक पल के लिए देखो। यह शवों का एक समूह था। मृतक सभी लड़कियां थी। वर्षों के अनुभव के आधार पर यह पूरी तरह से तय था कि यह भेड़ियों ने नहीं किया था। सच्चाई को जानने के लिए उसने अपराध स्थल पर जाल बिछाया, हत्यारे के आने का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद शिकारी घर नहीं पहुँचा था। घर पे पत्नी बहुत चिंतित है। वह राहत के लिए कॉल करने के लिए रेडियो का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वह खोजने के लिए बाहर निकली, उसने देखा कि शिकारी मर चुका था। डंडे द्वारा सिर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस एपिसोड में मिस्टर की एक रोमांचक फिल्म के बारे में बता रहे हैं। दिसंबर 18, 2020 को रिलीज हुई फिल्म हंटर हंटर। आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे बदला लूंगा। घने जंगल में एक भी व्यक्ति नहीं है। वह तीन लोगों का परिवार था। वे आजीविका के लिए शिकार करते थे। आय का स्रोत जानवरों से आता है। वे एक साधारण घर में रहते थे। बिजली भी नहीं लगाई थी। लुई की पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा गांव में एक घर खरीदना है। वे बेटी को आम लोगों की तरह जिंदगी देना चाहते थे, कम से कम स्कूल जा सके। लेकिन पति लू एक एकाकी व्यक्ति था। उसने सोचा कि स्कूल नहीं जाने वाला भी जी सकता है। गांव में जाने पर बहुत आपत्ति जताई। वैसे भी उनकी आय सिर्फ खाने के लिए ही पर्याप्त थी। उस एक दिन में उनका शांतिपूर्ण जीवन बिखर गया था। जब लू और उनकी बेटी शिकार करने निकले तो उन्हें जानवरों के मल के ढेर का पता चला। बेटी ने उसे सूंघ लिया। बस यही बात थी, वो वापिस आ गया। यह एक दुष्ट भेड़िया था। इस खबर को जानने के बाद लू सो नहीं पाया। क्रूर भेड़िया कई वर्षों बाद जंगल में फिर से लौट आया। यह जरूर किसी चीज से आकर्षित हुआ होगा। वह वहाँ नहीं बैठ सकता था। वह सुबह होने से पहले जाने के लिए तैयार हो गया। अगर उसने क्रूर भेड़िये को नहीं मारा तो भविष्य में वह शांति से नहीं जी पाएगा। लुई ने बस सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से उनकी बेटी भी जाग गई। पढ़ने की तुलना में जानवरों का शिकार करना उसे अधिक उत्साहित करता है। उसकी पत्नी घर पर ही रहती है। अगर कोई भी खबर होती है तो लुई तुरंत अपनी पत्नी को रेडियो पर बता देता है। वे खोज करने के लिए जंगल में गए। उन्होंने पाया कि मल का ढेर नजदीकी है। लुई ने पास जाकर जांच की तो यह भेड़िये का था। अभी भी थोड़ा सा गर्म है, भेड़िया पास ही होना चाहिए। यह जगह बेहद खतरनाक थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह घर वापस जाए। अगर वहाँ कोई शोर होता है तो जल्दबाजी में भागना नहीं, मन को बिल्कुल शांत रखना। लुई जंगल में घात लगाकर बैठ गया। एक क्षण के बाद भेड़िया आ गया। उसने धीरे से ट्रिगर खींचा, बस धमाका सुना। बाद में वह धीरे से उस तक पहुंचा, लेकिन उसने भेड़िये को नहीं देखा। उसने एक हाथ देखा, उसे आश्चर्य हुआ। खून के धब्बों का पीछा करते हुए उसे एक संदिग्ध जगह का पता चला। बड़े पेड़ पर किसी ने प्रतीकों को उकेरा था। उसने संकेतों का अनुसरण किया। लुई के सामने वाला दृश्य लुई को जीवन भर याद रहेगा। वहाँ कुछ शव थे, वह सभी महिलाएं थी। वर्षों के अनुभव के आधार पर जाना कि यह भेड़ियों के द्वारा नहीं किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इन लोगों को जब वे जिंदा थे तब पीड़ा दी गई थी। उस रात लुई बेहद परेशान था। यहाँ तक कि उसके जैसा अनगिनत संख्या में शिकार करने वाला व्यक्ति भी उस दृश्य को देखने के बाद नहीं खा सकता था। लेकिन उसने जो देखा था उसे अपने परिवार को नहीं बताया। वह गोदाम में चला गया, बड़े जानवरों को पकड़ने वाली बंदूक को उठाया जो उनके पिता छोड़ गए थे। पूर्वजों ने अत्यंत शक्तिशाली ताकत उनको दी थी। अगले दिन वह अपराध स्थल पर वापस गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह आज रात घर नहीं आएगा। यह भेड़िया बहुत चालाक था, उसे ध्यान से देखना था। लेकिन क्या यह सच था? यह कहने के बाद उसने जानवर को पकड़ने वाला विशेष फंदा उठाया। सब तैयार। अगर वह उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाता है तो भयंकर भेड़िये की तुलना में अधिक गंभीर परिणाम होंगे। और उसी समय एनी और उसकी बेटी नदी से पानी ले रही थी। बेटी ने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसका कुत्ता कहीं चला गया था। वह उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन एक भयंकर भेड़िये का चेहरा अचानक दिखाई दिया। यह वही क्रूर भेड़िया था। उसने उनकी स्थिति को पाया। सहज रूप से एनी ने अपनी बेटी को अपने पीछे छिपाकर उसकी रक्षा की। वह पागल की तरह चिल्लाने लगी। उस आवाज के माध्यम से भेड़िये को दूर करना चाहती थी। सौभाग्य से वह सफल रही। क्रूर भेड़िये ने एक तेज गर्जना सुनी और भाग गया। एनी और उसकी बेटी जल्दी से कमरे में वापस आ गए। उसने अपनी बेटी से कहा कि घर में छिप जाओ, बाहर मत जाना। फिर वह अकेली जंगल में वापस चली गई। यह अफसोस की बात है कि कुत्ता पहले ही मर चुका था। उसने अपनी बेटी को यह नहीं बताया। एक और रात बीत गई। लुई अभी तक नहीं लौटा था। किसी ने भी रेडियो का जवाब नहीं दिया, इसलिए एनी और उसकी बेटी ने उसे खोजने का फैसला किया। पिता के साथ कई वर्षों तक शिकार किया था, इसलिए बेटी इलाके से परिचित है। खोजने के लिए हर जगह एनी को ले गई। कुछ ही समय के बाद सुराग के तौर पे मल मिला, पिछली बार से अलग। अंदर एक अंगूठी भी थी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वह बहुत मासूम थी। उसने पूछा, भेड़िये ने अंगूठी क्यों खाई? लेकिन एनी ने जवाब नहीं दिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि क्या हुआ था। वे जल्दबाजी में
पुलिस के पास गए। सबसे पहले उसने पति के लापता होने की रिपोर्ट की। दूसरा, उन्होंने बताया कि उस अंगूठी को भेड़िया ने खा लिया था, लेकिन नियम के अनुसार एनी के रहने का वातावरण एकांत में था। सड़क बहुत दूर थी, यह स्वाभाविक रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शेरिफ वास्तव में मदद करना चाहता था, लेकिन यह नियम था, उसने बहुत सोच समझ कर कहा, क्योंकि एनी जहां रह रही थी वह जगह सरकार के प्रशासन से अधीन थी। उन्हें घर बनाने की अनुमति नहीं थी, और अगर पुलिस ने जांच की तो जिस स्थान पर वे रह रहे थे वह भी प्रभावित होंगे। एनी पीछे देखे बिना ही वापस मुड़ गई। अब बस खुद पर ही भरोसा कर सकते थे, लेकिन उस शाम बाहर से आवाजें आ रही थी। बेटी को लगा कि कुत्ता लौट आया है, लेकिन एनी को पता था कि कुत्ता मर चुका था, यह भेड़िया हो सकता है। आवाज तेज हो रही थी, एनी बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी बेटी को कमरे में वापस जाने के लिए कहा और कहा कुछ भी हो जाए वो बाहर न निकले, फिर खुद बाहर चली गई। वह पता लगाने ही वाली थी वह भेड़िया नहीं, लुई भी नहीं, वह गंभीर चोटों वाला एक अजनबी था। एनी ने उसे घर में खींच लिया। वह अजनबी बहुत घायल था, खास तौर पर पैर में एक गंभीर चोट के कारण। एनी को परवाह नहीं है अगर यह क्रूर भेड़िए ने किया था। उसने उस आदमी की जान बचाई, अगले दिन वह बेहतर था। लेकिन बेटी ने कहा, पिताजी कहते हैं कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन एनी ने कहा, लोगों की मदद करना अच्छी बात है। और उसी समय शेरिफ को रास्ते पर मौजूद एक संदिग्ध वाहन मिला। कार में कोई नहीं था, कचरे का बचा हुआ थोड़ा सा मलबा था। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और पुलिस स्टेशन वापस चले गए। एनी द्वारा प्रदान की गई अंगूठी के आधार पर शेरिफ सोच रहा था, हाल ही में गांव में कई लड़कियां बिना किसी कारण के गायब हो गई थी। यदि यह वास्तव में एक भयंकर भेड़िए के कारण हुआ था तो वह कुछ किए बिना सिर्फ बैठ नहीं सकता था। इसके अलावा एनी जैसी व्यक्ति जिसने शिकार करते हुए अपना जीवन बिताया हो, वह निश्चित रूप से बहुत बहादुर थी। लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में उनकी अभिव्यक्ति घबराई हुई थी। कोई शब्द बोले बिना ही शेरिफ फिर से उस संदिग्ध कार की ओर गया। उसने जंगल में आगे कदम बढ़ाए। अंत में वह क्राइम सीन तक पहुँच गया जहाँ लुई गया था। वह दुखद और क्रूर दृश्य, वह मदद लेना चाहता था, लेकिन उस समय उनका सहयोगी अपना काम खत्म करके चला गया था। अचानक एक बड़े जानवर के फंदे ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ भी पकड़ में आ गया था। लुई कुछ दिनों से वापस नहीं आया था। कमरे में लोग अभी भी गहरी नींद में थे। उसने फिर से पता लगाने का फैसला किया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह रोई, उनका पति यहाँ नहीं था, यह घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पैसा नहीं, खाना नहीं, और वहाँ भयंकर भेड़िए भी थे। एनी पूरी तरह से निराश थी। अप्रत्याशित रूप से रेडियो ने अचानक तरंगों को प्रसारित किया। वह आवाज तब आती है जब दो रेडियो एक निश्चित दूरी पे अलग होते हैं। लुई पास होना चाहिए, उसने आवाज लगाई। उसने उसे खोज लिया, वह लुई था, लेकिन वह मर चुका था। उसे सिर पर डंडा मारकर मारा गया था। दुखी होने का समय नहीं था। एनी को अचानक एहसास हुआ, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि लुई और उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी। उसकी बेटी खतरे में थी, वह डरकर भागी। वह अजनबी आदमी के कुछ करने से पहले वापस घर आना चाहती थी। उसी समय पुलिस कर्मी काम पर गए तो पता चला कि शेरिफ वहाँ नहीं है, तो वह पता लगाने के लिए उनके अपराध स्थल की ओर प्रस्थान किया। शेरिफ इतना डर गया था कि वो बोल नहीं पा रहा था। उसने बंदूक निकाली, ट्रिगर खींचने के लिए अंतिम बल का प्रयोग किया। सहकर्मी ने उसे खोज लिया। वह उसके सामने वाले दृश्य से घबरा गई थी। उसने मदद के लिए फोन करने के लिए कार की ओर दौड़ी। एनी घर पर आ गई। अप्रत्याशित रूप से अजनबी आदमी ने पीछे से हमला किया और उनकी गर्दन पकड़ ली। बेहोश होने से पहले उसने अपनी बेटी की हताश चीखें सुनी। आदमी ने पेट्रोल की टंकी निकाली, उसने कपड़ों के ढेर में पेट्रोल डाल दिया। बारीकी से देखो तो बेटी के कपड़े भी उसमें थे। आदमी ने आग जलाई। अपना काम खत्म करने के बाद वह घर में लौटा। एनी को मारने की तैयारी करते हुए हिम्मत जुटा कि एनी ने उसके बगल में पड़े जानवरों के फंदे को उठाया और जोर से मार दिया। फंदा आदमी के मुंह को जकड़ लेता है। फिर उसने बर्तन लिया और सीधे सिर पर मारा। महिला ने बेबस होकर कमरे का दरवाजा खोला। बाहर जलती हुई लपटों को देखकर उसकी अभिव्यक्ति शीतलता में बदल गई। उसे एक बड़ा काम करना था। उस समय पुलिस आ गई थी। कुत्ते ने गंध के आधार पर उसको खोज लिया, लेकिन उसने पहले कि वे घर में प्रवेश करते एनी पहले से ही बाहर थी। वे अंदर आई और देखा, पुलिस तत्काल घटनास्थल को देखकर दंग रह गई। मैं सबको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। शिकार को पकड़ने के बाद शिकारी पहली चीज क्या करता है? क्या वह उनकी खाल उतारता है? यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एनी ने आदमी को एक शिकार माना। फिल्म खत्म हुई। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। यह बदला लेने की फिल्म है। क्रमशः पति और बेटी मारे गए थे। महिला किरदार के पास आखिरी में कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए उसको मारना पड़ा। लेकिन इस बार इस जानलेवा शैतान को अपने से भी ज्यादा बुरी चीज का सामना करना पड़ा। यह पारिवारिक प्रेम था। ठीक है, इस एपिसोड की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको फिल्म पसंद आई, अंत में अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। बाद में मिलते हैं। अलविदा।